हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लवली गेट फ्रेश। एंड आज की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हेयर केयर से रिलेटेड मोदी केयर अर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को कंडीशनर। ऑलरेडी मैं आप सभी के साथ मोरक्कन रेंज का ऑयल एंड शैम्पू का रिव्यू कर चुकी हूँ एंड और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हेयर केयर से रिलेटेड वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। उन सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यह है मोदी केयर सलन प्रोफेशनल रेंज का कंडीशनर। इस कंडीशनर की खास बात क्या है? जैसे नॉर्मल कंडीशनर हम यूज करते हैं अपने हेयर में, तो यह एक नॉर्मल कंडीशनर बिल्कुल भी नहीं है। यह एक तरह का हेयर ट्रीटमेंट कंडीशनर है। इट मींस कि यह एक एडवांस लेवल का कंडीशनर है। अगर आपकी हेयर डैमेज है, आपके हेयर फ्रीजी हैं, आपके हेयर रफ हैं, या फिर आपने अपने हेयर में ट्रीटमेंट करवा रखा है किसी भी प्रकार का, लाइक स्ट्रेटनिंग, लाइक केराटिन ट्रीटमेंट, या फिर आपने अपने हेयर में कलरिंग करवा रखा है, जैसा कि आप देख सकते हो मेरे हेयर कलर हैं, या फिर अपने हेयर को कलर करने के लिए डाई का यूज करते हो, उन सब से हमारी हेयर डैमेज भी होती है। एंड साथ ही जब आप पार्लर में यह जो ट्रीटमेंट करवाते हो तो पार्लर वाले भी आपको कुछ डिफरेंट शैम्पू सजेस्ट करते हैं। इनफैक्ट वो आपको देते हैं, बोलते हैं इसी का यूज करना है। उससे क्या होता है कि आपके हेयर में जो ट्रीटमेंट करवाया है ना, वो लॉन्ग टाइम तक टिका रहता है, वो जल्दी नहीं निकलता। तो जब आप इस कंडीशनर का यूज करोगे ना, तो यह आपके हेयर पे एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से आपके जो भी कलर्स होंगे, ट्रीटमेंट होंगे, वो जल्दी निकलने नहीं देगा। अब बात करते हैं कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज हुआ है। तो इसमें इसे इन्फ्यूज किया गया है अर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को, रिच इन विटामिन ई से भरपूर है। साथ ही फैटी एसिड एंड एंटीऑक्सीडेंट का यूज हुआ है, जो आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम कलर से प्रोटेक्ट करता है। यूवी रेज, सन के जो रेज होते हैं वो भी हमारे हेयर को डैमेज करते हैं, तो यह आपके हेयर को यूवी रेज से भी प्रोटेक्ट करता है। यह बात मैं बार बार आपको बोल चुकी हूँ कि आप जब भी घर से बाहर निकलते हो तो अपने हेयर को एक कॉटन क्लोथ से कवर करने के बाद ही निकलो। एंड साथ ही स्टाइलिंग हीट डैमेज, तो आप अपने हेयर में इलेक्ट्रिक टूल्स का यूज करते हैं जो कि हमारे हेयर के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। लाइक अपने हेयर को आप स्ट्रेट करते हो डेली लाइफ में, या फिर कर्ल का यूज करते हैं, जो भी, तो उससे हमारे हेयर डैमेज होते हैं। इस कंडीशनर को यूज करने के बाद आप अपने हेयर पे इलेक्ट्रिक टूल्स का यूज करोगे, तो यह इलेक्ट्रिक टूल्स से जो इफेक्ट होगा आपके हेयर को, उसे डैमेज होने से यह बचाएगा, क्योंकि एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगा आपके हेयर पे। यह आपके टैंगल हेयर को बिल्कुल ही स्मूथली एंड जेंटली डिटेंगल कर देगा। यह आपके हेयर को मॉइस्चराइज करता है, नरिश प्रोवाइड करता है, जिससे अगर आपके हेयर रफ हैं तो आपके हेयर में एक साइन, एक सिल्की, एक स्मूथनेस ऐड कर देता है। बट मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप कंडीशनर के यूज कम से कम अपने हेयर में करें। आप मंथ में एक बार, या फिर ओकेजनली आपको कहीं जाना हो अपने हेयर ओपन करके, तभी आप कंडीशनर का यूज करें, क्योंकि कंडीशनर जस्ट आपके हेयर को तो अच्छा कर देता है, बट एज फॉर लॉन्ग टाइम के लिए मुझे पर्सनली लगता है कि अच्छा नहीं होता। एंड मैं खुद बहुत ही कम ओकेजनली कंडीशनर का यूज करती हूँ अपने हेयर के लिए। एंड आप देख सकते हो बिना कंडीशनर के ही मेरे हेयर जो है वो अच्छे हैं। अगर बात करें कि इसे यूज कैसे करना है, तो इसे आपको हेयर में लगाना है, 2 से 3 मिनट के लिए रहने देना है, एंड फिर अपने हेयर को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। इसके लिए ऑलरेडी मैं आप सभी के साथ कंडीशनर यूज करने का सही तरीका क्या है, कंडीशनर यूज कैसे करते हैं, वो वीडियो शेयर किया है। अगर बात करें इसकी वेट की, तो इसकी वेट है 200 ml एंड इसकी प्राइस है 475। अगेन अगर आप मोदी केयर डीपी से परचेज करते हो तो यह आपको लगभग 400 के रेंज में आपको अवेलेबल हो जाएगी। एंड गाइज, आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यह कॉस्टली है, बट बिलीव मी, मोरक्कन अर्गन ऑयल रेंज का जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, आप चेक कर सकते हो, वो बहुत ही कॉस्टली आते हैं। एंड वैसे भी आप सभी ने जिसने हेयर ट्रीटमेंट करवाया हो, स्ट्रेटनिंग करवाया हो, कलर करवाया हो, तो उन्हें पता होता है कि जब पार्लर वाले जो स्पेशल कंडीशनर या फिर शैम्पू जो सजेस्ट करते हैं, वो बहुत ही महंगा होता है, 1000 के रेंज से कम में नहीं होता है। तो एक हेयर ट्रीटमेंट ऑयल है तो 400 के रेंज में, तो इसकी प्राइस बिल्कुल ही नॉर्मल है। सो आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। आई एम श्योर आप सभी को मेरा यह हेयर केयर से रिलेटेड वीडियो अच्छा लगा हो। बाय बाय, टेक केयर, अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए एंड खुश रहिए।